हेलो फ्रेंड, आज हम चालू करने वाला है लाइम ड्रेजिंग टैंक का एजिटेटर, मदर लिकर टैंक। इसका एजिटेटर का हम चालू करेंगे। इसका प्रोसीजर देख लीजिए। पहले आपको एस्पर मैकेनिकल सभी चीज़ उसका कंप्लीशन होना पड़ेगा। सब चीज़ आप कंप्लीशन देख लीजिए, पंप का देख लीजिए, मोटर का देख लीजिए, एजिटेटर का कनेक्शन देख लीजिए, बोल्ट नट जो भी, फाउंडेशन बोल्ट नट जो भी, टाइटनेस सब आप देख लीजिए। ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इनके सब अगर स्टार्टिंग टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उस टाइम में अगर कुछ मशीनिंग प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो इसलिए आप पहले ही देख लीजिए सब कुछ। सब कुछ धोने के बाद देख लिया, अब एसी का ये आपका कंट्रोल स्विच जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए दोनों पे पहले फर्स्ट तो आप इमरजेंसी स्विच को ऑन कर लीजिए। दोनों को ऑन कर लीजिए। अभी हम देखिए स्टार्ट करेंगे। देखो देखिए स्टार्ट हो गया। इसी तरह से हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देंगे। जो इसको हम 4 घंटा तक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, 4 घंटा ऑब्जर्वेशन में इसको हम लोग मैकेनिकल लोड रन टेस्ट बोलता है। इसमें हमको सभी मैकेनिकल चीज़ों का पैरामीटर सब देखना पड़ेगा। इसका वाइब्रेशन, नॉइस, इसका आरपीएम, जो भी है, मतलब जो भी मैकेनिकल पैरामीटर है सब ओके रहेगा, टेम्परेचर भी ओके रहेगा, तब हमको इसको मैकेनिकल लोड टेस्ट कंप्लीशन मानते हैं। अभी हमको इसको हम लोग कंट्रोल रूम में जाएंगे। कंट्रोल रूम में जाके हम दोनों का इसका एम्पियर्स कितना ले रहा है। देखिए इसका एम्पियर इधर है, इसका एम्पियर है आपका 4.4 के अंदर एजिटेटर का ब्लेड है जिसको, ठीक है। अभी हम कंट्रोल रूम में चलेंगे। दोनों अभी स्टार्ट कंडीशन में हैं। देखिए यही दोनों टैंक का हम लोग ऊपर में एजिटेटर को चालू किया है। देख लीजिए इतना बड़ा टैंक है, दो टैंक है, इसको दो कंबाइन कनेक्टिंग टैंक है। इसके तो पम्प अटैचमेंट है, सेंट्रीफ्यूगल पम्प। अभी सेंट्रीफ्यूगल पम्प का हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग एजिटेटर का ही देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, दोनों एजिटेटर का कितना करंट ले रहा है, कितना एम्पियर्स ले रहा है, वो हम लोग जाके कंट्रोल रूम में चेक करते हैं। ये आपका सब स्टेशन का डाउन साइड हो गया, इसमें ऑल पूरा ट्रांसफार्मर सब लगा रखा हुआ है। अभी हम लोग कंट्रोल रूम का ऊपर जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर हम लोग कंट्रोल रूम का पूरा सेटअप है। यह सब का कंट्रोल रूम का एंट्रेंस है। एचबीसी का काम भी प्रोग्रेस में है। यहाँ पे हमको देखेंगे, यहाँ पे हमको जो भी रेड कलर का आपको दिख रहा होगा वो पैनल सर्ज है। अभी अपना वाला ढूंढते हैं कौन सा अपना है। ये देखिए अपने वाला मिल गया, अपने वाला आ गया। ये देखिए
बी वाला मिल गया एजिटेटर का, AM 105B लाइम डोजिंग टैंक एजिटेटर मोटर्स, इसका करेंगे करंट आ रहा है 4.6 एम्पियर्स, 4.6 एम्पियर्स, अपना मोटर में एम्पियर्स लिखा था 4.82, मतलब परसेंटेज कमी है, तो ओके प्रॉब्लम नहीं है। और एक भी ये वाला भी दिखा देते आपको, जो कि दोस्तों ये वाला भी मिल गया, इसमें आपका 4.6, 4.5, 4.5, 4.3, ठीक है, देख लीजिए पूरा कंट्रोल कहाँ है। तो सभी पंप सभी इक्विपमेंट्स का यहाँ से अपडेट होता है। ये अपना BFD कंट्रोल रूम है, अपना BFD कंट्रोल रूम है, ठीक है भाई। वीडियो अभी अपना लाइव लंबा हो गया, आज के देख नहीं सकता हूँ, थैंक यू। ओके अभी हम आउट हो जाते हैं, अपना इधर का जो भी देखना था हो गया, ठीक है, बाय।